नमस्कार दोस्तों, आप गूगल मैप से क्या जानना चाहते हैं कि दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है, या दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है, या लखनऊ से कानपुर कितनी दूर है, या कानपुर से कोई और प्लेस कितनी दूर है। तो अगर आप दूरी निकालना चाहते हैं या डिस्टेंस निकालना चाहते हैं गूगल मैप पर, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल मैप पर जाना होगा। ये देखिए मेरा गूगल मैप, चलते हैं। गूगल मैप पर जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और जैसे इस टाइप का इंटरफेस आएगा, इसमें आपको इतने सारे ऑप्शन ये सब दिख रहे हैं। इसमें आपको यहाँ पे नीचे गो का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। गो वाले ऑप्शन पर अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब जैसे ही आप गो वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ओके, ये वाला। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे ऊपर योर लोकेशन या तो सेलेक्ट होगा, अदरवाइज आप इस पर क्लिक करिए, और जहाँ से जहाँ की दूरी पता लगाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं, यह मैं मान लेता हूँ कि दिल्ली से, ओके चलिए मैं दिल्ली डाल देता हूँ। ओके, अब दिल्ली से मुझे पता लगानी है दूरी की, मान लेते हैं मुंबई की कितनी है। उसके बाद अब दिल्ली डालने के बाद नीचे वाले आइकन में आपको वो डालना है कि आप की कहाँ की दूरी पता लगाना चाहते हैं। तो इसमें हम चलिए मुंबई डालते हैं। ओके, और इसमें मुंबई मैंने डाल दिया। इसके बाद आप देखेंगे अब ये फाइंडिंग बेस्ट रूट्स यहाँ पे दिखेगा, अभी थोड़ी ही देर में आपको लोड करके सब दिखा देगा कि कितने। ये देखिए इसने दिखा दिया लोड करके इतनी जल्दी, 1400 किलोमीटर है, 1415 किलोमीटर है, रूट भी दिखा दिया। तो इस टाइप से आप जान सकते हैं कि कहाँ से कौन सी प्लेस कितनी दूरी पर है। इसमें टाइम भी बता देता है कि अगर आप कार से जाएंगे 24 आवर्स लगेंगे, बाइक से इतने आवर्स, ट्रेन से इतने आवर्स, पैदल इतने आवर्स। तो आप इस टाइप से पता लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अभी भी आपका बचा रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या हमें इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिए, लक्ष्य गुप्ता GT यूजर नेम है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में क्वालिटी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।